बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन, फोन किया था, फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहाँ पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके और इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय हुआ। सर ये अब तय हो गया कि आप लोग उम्मीदवार वहाँ नहीं उतारेंगे, पिछले बार जो है 22 उम्मीदवार आप लोगों ने शायद उतारे थे ना पिछले विधानसभा? नहीं, इस बार हम लोगों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है, हम लोग वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे और दीदी को मदद करेंगे। हाँ, ये कहा जा रहा था कि जेएमएम को बड़ा स्ट्रांग पॉकेट्स है वहाँ पे, ट्राइबल्स का जनसंख्या, तो इस बार जो है आप लोग मतलब आप लोग उसको उनको मदद करेंगे पूरे जो है? देखिए देखिए, विषय ये है कि अब का जो राजनीतिक हालात है ऐसी स्थिति में वहाँ पर ऐसे ताकतों का स्थापित होना अगर उसमें कहीं हम भी कारण बन जाएं तो ये सही नहीं होगा और इस वजह से ये निर्णय लिया गया। और अच्छा, चोट लगने के बाद दीदी से कोई बात हुई आपकी? अभी बात नहीं हुई है, अभी हम लोग चूँकि व्यस्त थे और हम चूँकि खबर देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं और हमारी बात होगी ही, ऐसी बात नहीं है और दो तीन बार फ़ोन पर भी बात हुई है, उनको चोट लगने से कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई थी, तो हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अभी चूँकि जिस स्थिति पर है उस स्थिति पर जो हमारे वहाँ पर मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी की दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन बात हो गई।